नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत कथा के क्रम में अब हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य। हमें पता है कि द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। देखिए, आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी और बाद में कालांतर में द्रोण जो हैं वो तो बड़े गरीब ही रहे और जो द्रुपद हैं वो शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका अपना अपना समय व्यतीत होता रहता है। तो अभी देखिए, इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं कि द्रुपद गरीब ही थे, वे चाहते कि धन प्राप्त किया जाए तो अपनी पत्नी पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं तो भागे भागे उनके पास गए और परशुराम की सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। तो द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे पास जो कुछ था मैं बांट चुका हूँ, अब मेरा शरीर और धनुर्विद्या है, बताइए आपको इसका मैं क्या करूँ। तब द्रोण उनसे अस्त्रों का प्रयोग और रहस्य सिखाने की प्रार्थना करते हैं। परशुराम ये स्वीकार करते हैं और उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं। इसके बाद वे देखते हैं कि द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया है और द्रोणाचार्य को जब एक खबर लगती है तो पांचाल देश की राजगद्दी पर उनके जो मित्र हैं वो बैठ गए हैं। तो वे उनके पास सोचते हैं कि जाकर के क्यों ना एक बार अपने मित्र से मिला जाए और वहाँ बातचीत की। सोचा, यदि आधा राज्य भी दे देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही, नहीं देगा तो भी कुछ धन मिल जाएगा। तो द्रुपद के पास जाकर के वो कहते हैं, मुझे पहचानते हो, मेरा बालपन का सखा। लेकिन ऐश्वर्य के मद में द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार न करने से ये चीज़ बहुत अखरी। वह द्रोण जो है वो गुस्सा हो गए, बोले तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। और वे वहाँ से जो है कि तुम अपनी मित्रता भी भूल गए हो, इस तरह से वे वहाँ से आ जाते हैं। और एक दिन वे हस्तिनापुर के राजकुमार जो है नगर के बाहर गेंद खेल रहे होते हैं, उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है और वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तब राजकुमार देखते हैं कि एक ब्राह्मण चले आ रहे हैं और राजकुमारों से अचरज में डालते हुए बोलते हैं कि राजकुमारों, बोलो मैं गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? निकाल देंगे तो हम कृपाचार्य के घर आपको बढ़िया दावत करेंगे। तो देखिए, युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और पानी में फेंका, सींक गेंद के ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और इसी तरह कई सिक्के डालते गए और आखिर में उन्होंने गेंद को बाहर निकाल लिया हाँ। और इस तरह से द्रोण तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा, पल भर में जो अंगूठी भी गिर गई थी वो भी बाहर आ गई। इस तरह से ये सारी चीज़ें राजकुमार देख रहे थे और ये सारी चीज़ें जाकर उन्होंने पितामह भीष्म को बताई। भीष्म समझ गए कि हो न हो वे आचार्य द्रोण है। ये सोचकर उन्होंने द्रोणाचार्य के हाथों उनको अस्त्र शिक्षा पूरी करवाने की सोची और धनुर्विद्या गुरु द्रोण